हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में, नए एक व्लॉग में। आज मैं आपको लेके आया हूँ मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क में। आपने काफ़ी मकबरे, काफ़ी इमारत देखी होगी राजा महाराजाओं की। आज मैं आपको दिखाऊंगा राजा महाराजाओं के जो घोड़े जहाँ बंधते थे, घुड़सार, मैं आपको आज वो दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहें, यहाँ की मैं सारी जानकारी दूँगा। आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं बाय मेट्रो, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर घुड़सार की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है राजा महाराजाओं की घुड़सार। यहाँ पर राजा महाराजा लोग अपने घोड़ों को बांधा करते थे इसी जगह पर। ये मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क के अंदर ये घुड़सार बनी हुई है, देख सकते हैं आप वीडियो में। अगर आप भी देखना चाहते हैं मुगल राजाओं की घुड़सार, तो आपको आना होगा मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क में। कुतुब मीनार बाईपास रोड होते हुए बसंत कुंज की तरफ जाता ये रोड। यहां पर आपको मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क का एक बोर्ड दिखाई देगा, इसी बोर्ड के सहारे से आपको अंदर जाना है। यहां पर आपको कई मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे मुगल राजाओं की शाही घुड़सार जहाँ पर उनके घोड़े बंधते थे। टिकट प्राइस की बात करें, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, यहाँ कोई एंट्री चार्ज नहीं लगता। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ खुला रहता है। और करीबी मेट्रो स्टेशन की बात करें तो कुतुब मीनार या छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आप इजीली 10 मिनट में ऑटो से आ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है मेन एंट्री गेट। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और यहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। ये मुगलकालीन, मुगलों के दौर में उपयोग किए जाने वाली घुड़साल है। यहाँ पर शाही घोड़े बांधे जाते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। और दोस्तों यहाँ की एक अजीब बात और है, ये ढूंढी गई है। ये पहले ज़मीन के अंदर बिल्कुल जमींदोज हो चुकी थी, यहाँ पर ये बहुत मतलब नीचा है, खल्ला है, और रोड जो है काफ़ी ऊंचा है। तो इसको जब ढूंढा गया तो साफ़ सफाई करके इस जगह को निकाला गया। दोस्तों पहले ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर धस गई थी ये घुड़साल। मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क में काफ़ी पुरानी इमारतें हैं, वो बिल्कुल जमींदोज हो चुकी हैं, बिल्कुल ज़मीन में मिल गई हैं, क्योंकि पुरानी इमारतें होने की वजह से वहाँ का जो ज़मीन का समतल एरिया है, तो पुरानी इमारतें नीचे दब गई हैं। देख सकते हैं, ये है मुगलकालीन, मुग़ल राजाओं के जो शाही घोड़े हुआ करते थे वो यहाँ पर बांधे जाते थे, और ये उनका घुड़साल कहा जाता है। देख सकते हैं आप, दोस्तों देख सकते हैं, ये है राजा महाराजाओं की घुड़सार। यहाँ पर राजा महाराजा लोग अपने घोड़ों को बांधा करते थे इसी जगह पर। ये मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क के अंदर ये घुड़सार बनी हुई है, देख सकते हैं आप वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं, शुरू के इसका कुछ हिस्सा टूट भी चुका है। जो शुरू के इसके जो रूम बने हुए थे घोड़ों के, वो टूट चुके हैं, आगे के बने हुए हैं। और मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूं, रोड पर हूं, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गहरा मतलब एरिया है ये, क्योंकि ऊंचाई पर रोड है और ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर ये बिल्डिंग आ चुकी है, क्योंकि ये पहले बिल्कुल गुम हो गई थी, ज़मीन में गड़ गई थी बिल्डिंग, ढूंढी गई, इसको ढूंढा गया, साफ़ सफाई की गई, तब इसका जो है आज अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई है और इसको घेर दिया गया है। यहाँ पर एक गेट भी लगा दिया गया है ताकि अंदर ऐसे कोई जा ना सके, और इसको पूरी तरीके से लॉक किया गया है। इसका टाइमिंग है खुलने का सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुली रहती है। मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क में काफ़ी मॉन्यूमेंट जो बने हुए हैं उनकी टाइमिंग ज़्यादातर यही है कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक दिन में ये खुले रहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दिल्ली के मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए, दिल्ली में ट्रेवलिंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर जगहों की वीडियो के साथ, हिस्ट्री के साथ, जानकारी के साथ आपको डिटेल दे सकूँ। ऐसे ही